डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर में हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि अगर ये वायर स्ट्रेट है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, उससे कोई फर्क नहीं, अगर ये वायर स्ट्रेट है और आपको इस पी पॉइंट पर बी की डायरेक्शन बतानी है, तो आप अपना राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड का थंब करंट के साथ लेके जाएंगे, चार फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ बी बता रही है, तो बी कैसे आ रहा है, इनसाइड, इनसाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय क्रॉस, ऐसे ही था, थंब राइट हैंड इनसाइड, और अगर क्यू पॉइंट पे निकालना है तो थंब ये रहा, क्यू पॉइंट पे आउटसाइड, आउटसाइड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा हमने किया, लेकिन ये रूल तब वैलिड है जब करंट किस में मूव कर रहा है, इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर करंट आर्क में जा रहा है, कर्व में जा रहा है, सर्कल, सेमी सर्कल, आर्क, विच इज नॉट अ स्ट्रेट, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इस सर्कल के सेंटर पे बी की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, ये ध्यान से समझें, रूल चेंज कर रहा हूं मैं, राइट हैंड ले, राइट हैंड की चार फिंगर्स करंट के साथ घुमा दें, उल्टा है, थंब नहीं, चार फिंगर राइट हैंड करंट के साथ घुमा दें, थंब आपको बी देगा इनसाइड, देखो करंट कैसे है, इस तरफ है, चार फिंगर घूम रही है करंट के साथ, बी वेक्टर कैसे है, इनसाइड, इधर देखें करंट कैसे है, ऐसे है, तो बी कैसे है, आउटसाइड, तो याद रखना अगर वायर स्ट्रेट है, सीधी है, फिर तो थंब करंट के साथ और चार फिंगर बी देंगी, लेकिन अगर वायर कर्व है, आर्क है, सेमी सर्कल है, सर्कल है, तो चार फिंगर किसके साथ, करंट के साथ, थंब आपको बी देगा, उल्टा हो जाएगा, क्या ये रूल सबको क्लियर है, ठीक समझ में आ रहा है कि कैसे लगेगा ये रूल, तो बताओ अगर आपकी आर्क ऐसी है, ये रही, और मुझे यहां पर बी की डायरेक्शन बतानी है, तो कैसी होगी, आउटसाइड की इनसाइड, कर्व है, आर्क है, चार फिंगर करंट के साथ, तो थंब कैसे आएगा, आउटसाइड, आंसर आउटसाइड है, तो डायरेक्शन निकालनी आ गई, स्ट्रेट में थंब करंट के साथ चार फिंगर बी देंगी, कर्व में चार फिंगर करंट के साथ थंब आपको बी देगा, कोई डाउट इसमें,